जब अल्लाह ने रूहों को बनाना चाहा तो कहा कुन, बेशुमार रूहें बन गईं अल्लाह के सामने और करीब अरवाह नबियों की, फिर दूसरी सफ में वलियों की, फिर तीसरी सफ में मोमिनीन की, फिर इनके पीछे आम इंसानों की, फिर हद निगाह से दूर सफ में औरतों की रूहें बन गईं, फिर इनके पीछे हैवानी नबाती और फिर ऐसी जमादी अरवाह जिनमें हिलने जुलने की ताकत भी न थी नमूदार हो गईं। अल्लाह ने सब रूहों से ये भी पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ। सब ने इकरार किया और सजदा किया था, यानी पत्थरों और दरख्तों की रूहों ने भी सजदा किया था। फिर अल्लाह ने रूहों के इम्तिहान के लिए मुस्नूई दुनिया और लज्जात बनाए और कहा अगर कोई इनका तालिब है तो हासिल कर ले। बेशुमार रूहें अल्लाह से मुंह मोड़कर दुनिया की तरफ लपकी और दोजख उनके मुकद्दर में लिख दी गई। फिर अल्लाह ने बहिश्त का नज़ारा दिखाया जो पहली हालत से बेहतर अतात और बंदगी वाला था। बहुत सी रूहें उधर लपकी और उनके मुकद्दर में बहिश्त लिख दी गई। बहुत सी रूहें कोई फैसला न कर पाईं, इन्हें फिर रहमान और शैतान के दरमियान कर दिया। वही रूहें दुनिया में आकर बीच में फंस गईं, फिर जिसके हाथ लग गईं उसी की हो गईं। बहुत सी रूहें अल्लाह के जलवे को देखती रहीं, न दुनिया की तलब और ना ही जन्नत की तलब। अल्लाह को उनसे मोहब्बत और उन्हें अल्लाह से मोहब्बत हो गई। उन्हीं रूहों ने दुनिया में आकर अल्लाह की खातिर दुनिया को छोड़ा और जंगलों में बसेरा किया। रूहों की तालीम और तरबियत और मदारिज के लिए मजाहिब की सूरत में मदरसे कायम हुए और रोज़े अज़ल की तकदीर के मुताबिक कोई किस मजहब में और कोई बेमजहब ही रहीं। अल्लाह की मुहिब रूहें भी इस दुनिया में आईं, कोई मुस्लिम के घर, कोई हिंदुओं, कोई सिखों और कोई ईसाइयों के घरों में पैदा हो गईं और अपने मजहब के जरिए अल्लाह को पाने की कोशिश करने लगीं। यही वजह है कि हर मजहब के ख्वास ने रहबानियत इख्तियार की। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में रहबानियत नहीं है, ये अकीदा गलत है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गारे हिरा में जाया करते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी, दाता अली हजवेरी, बरी इमाम शहबाज कलंदर वगैरह ने भी रहबानियत के बाद ही इतने बुलंद मुकाम हासिल किए और इन्हीं के जरिए दीन की इशात हुई। अल्लाह की मुहिब रूहें जो रोज़े अज़ल से उसके नज़ारा में गुम होकर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थीं, इस दुनिया में आकर भी अपना तन मन धन कुर्बान करके उसकी तलाश में जंगलों बयाबानों में निकल पड़ी। साला साल की रियाजत, इबादत और मुजाहदात के बाद अपने रब के जलवा को दोबारा पाने में कामयाब हुई। वो रूहें जिन्हें दुनिया अंबिया, सिद्दीकीन, सालेहीन और औलिया अल्लाह के नाम से जानती है, अपने अपने मरातब पाने के बाद हुक्म रब्बी से खल्के खुदा को फैज पहुंचाने पर मामूर हुई। तारीख ऐसी बरगजीदा हस्तियों के नामों से भरी पड़ी है जिन्होंने खालिस्तन अल्लाह की रजा की खातिर अपना घर बार, दुनिया की आसाइशें, हत्ता कि अपनी जान की परवाह न करते हुए भी अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और हक के परचम को बुलंद कर दिया। आज हम आपको एक ऐसे ही मर्द कलंदर के बारे में तफसीलन बताएंगे जिन्हें दुनिया हजरत सैयदना रियाज अहमद गोहर शाही के नाम से जानती है।
आपकी वलादत बासादत 25 नवंबर 1941 बरोज जुमेरात बवक्त फजर आबाई गांव ढोकघोर शाह में हुई। ढोकघोर शाह गुजर खां के नवाह में बदयाना बस स्टॉप के मगरबी जानेब वाकया है। गुजर खां रावलपिंडी से 50 किलोमीटर के फासले पर वाकया है। यहां से मुकामी बसें बरदियाना बस स्टॉप ढोकघोर शाह की तरफ जाती हैं। आपके जद अमजद बाबा गोहर अली शाह के नाम से आबाद इस गांव को तकरीबन 100 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। मौजूदा दौर में आबादी 24-25 घरों पर मुश्तमिल है, जिनमें 100-125 अफराद के लगभग रिहाइश पजीर हैं। गांव में पानी की किल्लत दूर करने के लिए बाबा जी ने खुद कुआं खोदा। बाबा साहब का कुआं गांव वालों के लिए नेमत साबित हुआ। यही कुआं अब तक गांव में पानी की जरूरत को पूरा करता है। बाद में कुएं के साथ ही सरकार गोहरशाही के हुक्म से ये मस्जिद तामीर की गई। ये वो घर है जहां सरकार की दुनिया में तशरीफ आवरी हुई। पहले ये घर कच्ची ईंटों का बना हुआ था। इस जगह एक लाइन में कमरे हुआ करते थे। जाए विलादत का कमरा भी इन्हीं में से एक था। अब यहाँ पर घर का सहन है और इसकी मुखालिफ सिमत में कच्चे कमरों की जगह जदीद तर्ज तामीर ने ले ली है। आपके वालिद गिरामी अलहाज फजल हुसैन शाह साहब मुलाजमत के सिलसिले में दहली मुकीम थे। इब्तदाई कुरान मजीद की तालीम मदरसा निज़ामिया दहली हिंदुस्तान में हासिल की, जिसके सरपरस्त ख्वाजा हसन निज़ामी थे। निडाली गांव का ये स्कूल जहां सरकार गोहरशाही ने मिडिल लेवल तक तालीम हासिल की, ये स्कूल ढोकघोर शाह से 4 किलोमीटर के फासले पर वाकया है, जो कि मौजूदा दौर में हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत में मौजूद है। मैट्रिक और इंटर प्राइवेट किया, इसके बाद टेक्निकल तालीम मोटर मैकेनिक वेल्डिंग इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और वुड वर्क वगैरह का सब काम प्राइवेट इदारों में ही सीखा। गांव के शुमाल में थोड़ी दूर आबाई कब्रिस्तान मौजूद है। बाबा गोहर अली शाह रहमतुल्लाह की कब्र मुबारक के इर्द गिर्द पहले 4 दीवारी थी। बाद में किबला सरकार शाह साहब ने रोजा मुबारक तामीर करवाया। इस कब्रिस्तान में आपकी वालदा मुहतरमा की कब्र मुबारक और आपके साहबजादे राहिल गोहर उर्फ शानी बाबा, जिनका इंतकाल 3 साल 9 माह की उम्र में रमजानुल मुबारक की 4 तारीख को हुआ, उनका मज़ार भी इसी कब्रिस्तान में मौजूद है। इसके अलावा दीगर कबूर भी मौजूद हैं। इब्तदाई एजाम में सरकार गोहर शाही ने ईरान और बांग्लादेश का सफर भी किया। सफर से वापसी पर आपने जेहलम में कुछ अर्सा के लिए कैंटीन खोले रखी। सरकार गोहरशाही अपनी तहरीर रूहानी सफर में लिखते हैं, जब सने बलोगत को पहुंचा तो फकीरी का शौक इंतहा को पहुंच चुका था, लेकिन सिराबी किसी तरीके से ना हो रही थी। दिन रात बाबा गोहर अली शाह के मज़ार पर बैठा दुरूद शरीफ पढ़ता रहता। जितने नवाफिल पढ़े जा सकते पढ़ लेता, तहज्जुद भी पढ़ता, लेकिन जिस रास्ते की तलाश थी उसका नामो निशान न मिलता। रावलपिंडी सदर जीपीओ से 3 किलोमीटर के फासले पर सरकार गोहरशाही के